नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रोटेटिंग मासेस जो कि डिफरेंट यानी अलग अलग प्लेन्स में रोटेट हो रहे हैं उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे सोल्व करते हैं यह सीखेंगे। बैलेंसिंग से रिलेटेड मेरे दूसरे वीडियोस जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं वे भी आप जरूर देखें ताकि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ सकेगा। उनमें मैंने नीड फॉर बैलेंसिंग यानी बैलेंसिंग की जरूरत क्यों है और बैलेंसिंग ऑफ द मासेज रोटेटिंग इन द सेम प्लेन, देखिए ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट प्लेन्स में, अगर सेम प्लेन में मास रोटेट होते हैं तो उनकी बैलेंसिंग कैसे की जाती है ये मैंने उन वीडियोज में डिस्कस किया है। साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है जहां से आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। तो आइए आज हम समझते हैं कि यदि मासेस डिफरेंट प्लेन्स में रोटेट हो रहे हैं तो उनकी बैलेंसिंग कैसे की जाएगी और उनके न्यूमेरिकल्स किस तरह से सोल्व किए जाते हैं। देखिए इस चित्र में मैंने यह समझाने की कोशिश की है कि हम कैसे विजुअलाइज करें कि मासेस जो है वो डिफरेंट प्लेन में रोटेट हो रहे हैं। मैंने यहां पर एक शाफ्ट दिखाई है और ये इमेजिनरी प्लेन है, एक दो और तीन, चार भी हो सकते हैं, पांच भी, कितने भी हो सकते हैं। ये प्लेन ये शो कर रहे हैं कि एक मास एम वन है जो शाफ्ट से आर रेडियस पर सिचुएटेड है। ये किस तरह से हो सकता है फिजिकली, मान लेते हैं कि पतली रॉड है, इस पर एक ये मास है या एक ये गियर है जो कि मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, यानी इस गियर का जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ रोटेशन पर सिचुएटेड नहीं है, उससे थोड़ा सा अलग है। कितना थोड़ा सा अलग है? आर वन रेडियस के बराबर, यानी एक्सेंट्रिसिटी कितनी है इसमें? आर वन। हम ये मान सकते हैं कि अगर ये तीन गियर्स एक शाफ्ट पर कसे हुए हैं लेकिन ये परफेक्टली बैलेंस्ड नहीं बने हुए हैं, यानी इनका सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ रोटेशन पर नहीं है, कहीं और है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक मैं सिंपल एग्जांपल आपको दे सकता हूं यहां पर समझाने के लिए कि मान लेते हैं एक ये वृत्ताकार या सर्कुलर डिस्क है जिस पर हमने एक से ब्लू कलर किया हुआ है। हमें नहीं पता कि किस मेटल की बनी हुई है, किस तरह की बनी हुई, लेकिन देखने में बिल्कुल परफेक्ट सिमेट्रिकल एक सी है, लेकिन वास्तविकता में क्या है कि इसका आधा जो ऊपर का हिस्सा है मान लेते हैं ये लकड़ी का बना हुआ है वुड, और नीचे का आधा हिस्सा लोहे का बना हुआ है आयरन का, बिल्कुल एक सा, इनको इस तरह से जोड़ा गया और इनके ऊपर हमने ब्लू पेंट कर दिया। अब हम दूर से देख के ये नहीं कह सकते कि दो अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है, तो इनका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहां होगा? यहां पर होगा जिसके अबाउट ये रोटेट करेगा। लेकिन यदि हम इसको गौर से देखें या गहराई से समझें तो क्या ये पूरे मास का सेंटर ऑफ मास, इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां पर है? नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में यदि हम समझना चाहें तो सेंटर ऑफ मास कहां होता है? भारी साइड में, हैवी साइड में। हैवी साइड आयरन की होगी, लाइट साइड वुड वाली होगी, तो इनका सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा। मान लेते यही गियर जिसका हमें वास्तविकता में ऊपर से पेंट इस तरह से कर दिया गया है, इस पर रंग ऐसा कर दिया गया है कि हमें पता ही नहीं लगता कि ऊपर लकड़ी है या नीचे लोहा है और ये गियर यहां कसा हुआ है, तो क्या ये जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो तो ये पॉइंट है, लेकिन क्या इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है? नहीं है, कहीं और है, यानी इससे किसी डिस्टेंस पर जो मैंने मान लिया आर वन। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली अगर अपन बात करें, ये पूरा का पूरा जो भी बॉडी थी या जिसको मैंने गियर बोला, इसका सारा का सारा मास हम यहां पर कंसंट्रेटेड मानते हैं, यानी इस गियर को हम एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब देखिए ये जो पॉइंट मास है इससे आर रेडियस पर रोटेट कर रहा है, तो कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा? एम वन ओमेगा आर वन स्क्वायर। ओमेगा इस शाफ्ट की एंगुलर स्पीड है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा गियर है वो भी इसी तरह से, उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ रोटेशन पर नहीं है, लेकिन हमने उसको कसा इस तरह से था कि जब इसका सेंटर ऑफ मास इधर है तो इसका सेंटर ऑफ मास इधर है, यानी ये हॉरिजॉन्टल है तो ये थोड़ा तिरछा है,
ये इनडायरेक्टली अगर मैं इधर से देख के बात करूंगा तो अभी मैं फिगर बताऊंगा कैसे बना हुआ है। तो इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इधर वर्क करेगा, मैंने इसको नंबर दो दिया है, तो एम टू ओमेगा स्क्वायर आर टू। ओमेगा सबका सेम होगा क्योंकि ये सभी एक ही शाफ्ट पर माउंटेड है। इसी प्रकार से मैंने एक तीसरा इसी तरह का एक्सेंट्रिक गियर लिया जिसका सेंटर ऑफ मास अदर देन सेंटर ऑफ रोटेशन है, तो वो यहां पर होगा। इसकी रेडियस आर थ्री मान ली, एम थ्री, तो ये हो गया एम थ्री ओमेगा स्क्वायर आर थ्री। तो यहां पर देखिए तीन अनबैलेंस्ड मास है, हमें कैसे पता लगेगा मास अनबैलेंस्ड है? तो उनका जो रोटेशन है जो वो सेंटर ऑफ मास पर नहीं सिचुएटेड होंगे, वो मास सेंटर ऑफ रोटेशन पर नहीं होंगे, उससे कहीं दूर होंगे। तो जब दूर होते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पर लगता है जिसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। तो देखिए अभी हमने जो पिछले वीडियो में समझा था जब मास रोटेट हो रहे हैं, जो अनबैलेंस्ड मास है वो रोटेट हो रहे हैं सेम प्लेन में। सेम प्लेन का मतलब मान लेते हैं ये दो होते ही नहीं, केवल एक ही है और इस पर एक मास तो यहां है, एक मास यहां है, एक मास यहां है, कहीं भी हो सकता है किसी भी रेडियस पर। तो तीन अनबैलेंस्ड मास रोटेटिंग इन द सेम प्लेन। मैंने आपको एग्जांपल दिया था जैसे सीलिंग फैन होता है या टेबल फैन होता है, उसकी पंखुड़ियां अपने सेम प्लेन में घूमती है, तो वो है मासेज रोटेटिंग इन द सेम प्लेन। उनकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं मैं आपको समझा चुका हूं। अब यहां पर देखिए वो और ये बिल्कुल सेम है, फर्क कहां आया वो मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम आगे कैसे बनाएंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डायग्राम इस तरह से बनेगा। देखिए मैं शाफ्ट की डायरेक्ट अलोंग द शाफ्ट में अगर देखूं तो एक मास इधर होगा, एक मास इधर होगा और एक मास इधर होगा। तो सामने से देखे तो ये M1 हो गया, फिर इधर से देखे तो M1 के रेस्पेक्ट में ये कुछ एंगल पर होगा, जैसे ये M1 है तो ये कुछ मान लेते हैं ट्रांसपेरेंट है पर मैंने ये लाइनें खींच दी एक दो तीन, और मैं इधर से देखूं तो एक लाइन ऐसे दिखेगी, यानी यहां से इसकी फोटो खींचू तो ठीक ऐसे दिखेगी M1, M2 और M3। ये अगर ट्रांसपेरेंट होते और इन पर ये गहरे रंग से जैसे ब्लैक कलर से ये लाइनें खींची हुई होती तो इस तरह से नजर आते। इस डायग्राम को मैंने क्या बोला था, एंगुलर पोजिशन डायग्राम, यानी ये जो इम्बेलेंस्ड मासेज हैं उनकी आपस में एंगुलर पोजीशन क्या है वो शाफ्ट के एंड से जब देखेंगे तब जो व्यू देखेगा उसमें क्लियर नजर आएंगी। मास वन से मास टू की एंगुलर पोजीशन, मास थ्री की एंगुलर पोजीशन सब मैं मेरे प्रीवियस वीडियो में यानी मासेज रोटेटिंग इन द सेम प्लेन उसमें मैं ये सब समझा चुका हूं। अब फर्क कहां पड़ता है, वहां तो हमने केवल एक ये एंगुलर पोजीशन वाला ही डायग्राम बनाया था, लेकिन यहां पर हमें एक्सियल पोजीशन वाला डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। यानी जब मासेज रोटेटिंग इन द सेम प्लेन है तो हमें एक ही डायग्राम से काम चल जाता है, लेकिन जब डिफरेंट प्लेन में रोटेट हो रहे हैं तो हमें दो डायग्राम बनाने पड़ते हैं, एक तो एंगुलर पोजिशन डायग्राम, दूसरा एक्सियल पोजिशन डायग्राम। ये कौन सा है, एक्सियल पोजिशन डायग्राम। एक्सियल पोजीशन डायग्राम से क्या मतलब है, एक्सियल पोजीशन डायग्राम से मतलब यह है कि जिन प्लेन में ये रोटेट हो रहे हैं ये प्लेन अलोंग द शाफ्ट, शाफ्ट के कहां कहां पर शाफ्ट पर ये प्लेन लोकेटेड है। जैसे एग्जांपल के लिए ये अगर यहां है तो इसको मैंने यहां मान लिया, इससे x3 डिस्टेंस पर है ये और यहां से ये x1 डिस्टेंस पर है। कहां से, यहां से ये डिस्टेंस नंबर वन प्लेन की मैंने नंबर टू से मानी कितनी, एक्स वन डिस्टेंस, और यहीं से यानी इस दो नंबर मास के प्लेन से मैंने इसकी डिस्टेंस मानी एक्स थ्री। तो कहने का मतलब सीधा सा ये है कि आपस में ये प्लेन्स कितनी कितनी दूरी पर हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट की जो एक्सिस है इसके साथ साथ चले थे कितनी कितनी दूरी पर है वो यहां बनाए। अब आप कहेंगे सर ये मास तो ऊपर है, ये मास तो नीचे ओरिजोंटल है, ये तिरछा है, तो ये तो सब एक ही साइड में दिखा, ये केवल एक सिंबॉलिक है कि ये M1 का प्लेन है, ये M2 का प्लेन है और ये M3 का प्लेन है। इनकी एंगुलर पोजिशन तो हम यहीं पर दिखा पाते हैं या नहीं दिखा पाते हैं, ये केवल मैं आपको बार बार क्लियर कर रहा हूं कि ये ऐसा नहीं है कि ये दोनों तीनों के तीनों एक ही यानी ऊर्ध्वाधर हैं, यही यो है, यो नहीं है, ये अलग अलग है। इनकी एंगुलर पोजीशन यहां पर है, ये केवल M1 की जो प्लेन है, M2 का जो प्लेन है, M3 का जो प्लेन है अलोंग द लाइन ऑफ एक्सिस वो पोजीशन को बताता है।
तो इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन डायग्राम। ये दोनों के दोनों डायग्राम हमें बनाने होंगे। अब हम समझते हैं कि अगर ये डिफरेंट प्लेन में है तो बैलेंसिंग कैसे अलग हो गई इनके, और क्या चीज इसमें पैदा हो गई या क्या चीज इसमें नहीं हो गई, क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए यहां मैंने तीन मास दिखाए हैं, मैं समझाने के लिए इस शाफ्ट पर दो मासेज रोटेट करता हूं जो कि अलग अलग प्लेन में है, जो मैंने यहां पर बताए हैं। मान लेते हैं ये दोनों है, ये दोनों है, ठीक है। तो एक तो ऊपर है, यानी किसी भी क्षण पर किसी भी इंस्टेंट पर जब ये शाफ्ट रोटेट हो रही है तो एक ऊपर है और एक इसके जस्ट अपोजिट नीचे है, मान लेते हैं एक बार, ठीक है। यानी तो इसको मैं इधर से देखूंगा तो एक ऊपर और एक नीचे है, ठीक है। ये M1 है, ये M2 है। जब इधर से देखेंगे इनके बीच की जो डिस्टेंस है इधर से देखेंगे तो नजर नहीं आएगी, ये बिल्कुल ठीक एक दूसरे के ऊपर ऊपर और नीचे नजर आएंगे, यदि एक ऊपर और एक नीचे है। ठीक वैसे जैसे मैंने बताया ट्रांसपेरेंट होते और केवल एक लाइन खींची जाती है, इधर से देखता तो ये वाली लाइन यहां नजर आती है और ये वाली लाइन इसके जस्ट नीचे नजर आती है। ये एक सिंपली समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर एक मास इधर है। अच्छा, एक्सियल कैसे है, शाफ्ट पर इनके बीच की डिस्टेंस ये है। तो अब देखिए, अभी मैंने कोई बैलेंस नहीं किया है, इम्बेलेंस्ड है ये, अभी बाद में समझाऊंगा ये क्या है, ये क्या है ये अभी बाद में समझाऊंगा, पहले इन दोनों के कारण शाफ्ट पे इफेक्ट देखते हैं। अब मान लेते हैं कि M1 रोटेट होता, M1 रोटेट होता और इसको M1 ओमेगा R1 इसको, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, M1 ओमेगा स्क्वायर R1, तो ये इसको मैं कैलकुलेट करता, मान लेते हैं 10 न्यूटन आता और ये ऊपर की साइड में, तो ये ऊपर की साइड में कितना फोर्स मैंने मान लिया, से का मतलब होता है मानना, तो ये मैंने मान लिया कि ये कितना है 10 न्यूटन ऊपर की तरफ, और इधर ये कितना है मान लिया मैंने 5 न्यूटन नीचे की तरफ, यानी एम टू ओमेगा स्क्वायर आर टू को कैलकुलेट करो और ये आता है मान लेते हैं 5 न्यूटन। तो अब देखिए, अगर मैं इस साइड से देखूं यानी 10 न्यूटन ऊपर और 5 न्यूटन नीचे, तो नेट कितना रहा ऊपर 5 न्यूटन, यानी अगर मैं फोर्स की बात करूं तो इम्बेलेंस्ड फोर्स कितना रहा 10 ऊपर 5 नीचे, तो नेट 5 ऊपर रहा। तो इसको बैलेंस करना है तो हमें क्या करना होगा, ठीक एक इसके ठीक विपरीत यानी इसकी दिशा में 5 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स पैदा करना पड़ेगा, और ये पैदा कौन करेगा, एक एक्स्ट्रा मास लगाएंगे जो कि ये फोर्स पैदा करेगा, जैसा कि अपन ने बैलेंसिंग ऑफ द मासेज रोटेटिंग इन द सेम प्लेन में किया था, ठीक है। ये कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं आराम से। तो ये ठीक इसके अपोजिट होना चाहिए, यानी इसके अपोजिट यहां 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 मैं मान लेता हूं यहां लगाता हूं, ठीक है। एक बैलेंस मास लगाया जिसके कारण मास फोर्स कितना पैदा हुआ 5 न्यूटन नीचे। तो देखिए 10 न्यूटन ऊपर 5 न्यूटन नीचे, और ये 5 न्यूटन पहले से नीचे था, तो 10 ऊपर और 5 और 5 10 नीचे। तो फोर्स के हिसाब से देखें, फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 10 ऊपर और 10 नीचे, तो फोर्स तो हो गए बैलेंस। तो क्या अब सवाल ये उठता है कि ये अलग अलग प्लेन में रोटेट हो रहे थे, यानी 10 इधर और 5 इधर, तो इस शाफ्ट पर क्या इफेक्ट पड़ा, क्या ये परफेक्ट बैलेंस मान लिया जाए, नहीं। कैसे, देखिए 10 न्यूटन ऊपर 5 न्यूटन नीचे, ठीक है, डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो इन दोनों का यानी इसका और इसका क्या इफेक्ट होगा, ये इधर और ये इधर। तो देखिए ये इस, ये अगर मैंने दो बियरिंग दिखाई है तो ये इस शाफ्ट को, ये जो कपल है ये इस शाफ्ट को यो रोटेट करने की कोशिश करेगा, ये 10 न्यूटन वाला फोर्स यो और 5 न्यूटन वाला यो, यानी ये शाफ्ट को इस तरह से घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है। ऐसे मतलब क्या इफेक्ट आएगा इनका, इनका इफेक्ट ये आएगा कि ये जो बियरिंग है ऊपर की तरफ इस पर फोर्स लगेगा ये उखड़ जाएगी, ये बियरिंग पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा ये दब जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या मैंने 5 न्यूटन फोर्स कहीं भी लगा दिया इस पर ठीक इनके इसके विपरीत, तो क्या बैलेंस हो गई, फोर्स बैलेंस हो गया। लेकिन हम फिर भी नहीं कह सकते कि परफेक्ट बैलेंस है, क्योंकि ये शाफ्ट इस प्रकार से रोटेट होने लग गई जो कि नहीं होनी चाहिए। हमें तो पर्पज ये कि मशीन में शाफ्ट बिल्कुल ऐसी की ऐसी रहे, इसी पोजिशन में रहे। इसका मतलब इन दोनों के कारण ये शाफ्ट यो क्यों घूमी, ये यो इसलिए घूमी क्योंकि इनके बीच में ये डिस्टेंस आ गई। ये डिस्टेंस क्यों आई, क्योंकि इसकी बनावट ऐसी थी जो मशीन में जहां भी ये लगे हुए थे कि ये दो जो इम्बेलेंस मास थे अलग अलग प्लेन में रोटेट हो रहे थे, इसके कारण ये शाफ्ट में एक टॉर्क पैदा हुआ और ये इस तरह से घूमने लगे, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा बैड इफेक्ट पैदा करती है कि ये बियरिंग टूट सकते हैं या उखड़ सकते हैं। तो
अब सवाल यह है कि इसको कैसे एडजस्ट करें। ठीक है, 5 न्यूटन तो लगाना है नीचे। ठीक है, ऐसा द्रव्यमान लगाएं, ऐसी रेडियस पर लगाएं कि ये घूमे तो एम ओमेगा स्क्वायर आर इस बैलेंस मास के लिए इतना हो, कितना 5। अब सवाल यह है कि ये जो टॉर्क पैदा हुआ इसको घुमाने के लिए किसने किया। अगर इस चित्र के हिसाब से देखें, इस 10 न्यूटन ने तो एंटी क्लॉकवाइज और इस 5 न्यूटन ने भी एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरह से ये शाफ्ट यूं घूमेगी। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें इस मास को इस अक्ष पर ऐसे एडजस्ट करना होगा कि चूंकि देखिए ये नीचे तो लग रहा है तो इसका नेट इफेक्ट क्लॉकवाइज आना चाहिए। ये लिखा है मैंने बैलेंस टॉर्क और ये दोनों क्या है अनबैलेंस टॉर्क, यानी इसका नेट टॉर्क इसके कारण पैदा हुआ टॉर्क ऐसा हो कि वो इन दोनों के टोटल के बराबर हो लेकिन विपरीत दिशा में हो। तो देखिए 5 न्यूटन तो हो गया, अब इसको मैं इधर उधर सरकाऊंगा तो ये टॉर्क इसके द्वारा पैदा हुआ टॉर्क की वैल्यू चेंज होगी। ये ऐसी पोजिशन पर लगाना चाहिए कि इसके द्वारा पैदा हुआ टॉर्क इस अनबैलेंस्ड फोर्सेस के कारण पैदा हुए टॉर्क को बैलेंस कर दे, और बैलेंस का मतलब मैग्नीट्यूड में इनके बराबर हो लेकिन डायरेक्शन में इनके अपोजिट हो। इसका मतलब ये जो बैलेंस मास है, ये बैलेंस मास हमें ऐसी पोजीशन, इसके लिए हमें 4 चीजें हो गई। क्या हो गई? इसका मास, इसकी रेडियस, इसकी एंगुलर पोजिशन और एक्सिस पर ये इसका प्लेन कहां स्थित होगा, यानी 4 चीज हमें बतानी होंगी। मास, इसकी त्रिज्या, इसकी एंगुलर पोजीशन यानी कोणीय स्थिति। अभी तो चलो मैंने 2 ही लिए थे, सिंपल एग्जांपल लिया था, जस्ट अपोजिट हो गया, लेकिन अगर मान लो 3-4 होते तो क्या करते, तो मतलब क्या रहा, हमें 4 अज्ञात राशियां पता करनी है। बैलेंस मास का कितना किलो है द्रव्यमान यानी, फिर कितनी दूरी पर लग रहा है यानी त्रिज्या, किस एंगल पर लग रहा है यानी एंगुलर पोजीशन, फिर अक्ष पर इसका प्लेन जिसमें ये रोटेट हो रहा है वो कहां पर स्थित है यानी एक्स बोलते हैं हम उसको, तो एक्स का वैल्यू, इसका मतलब 4 अननोन, तो हमें 4 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन तो इसकी ठीक वैसे ही आएंगी जैसे हम ये मानते हुए करेंगे कि मास इज रोटेटिंग इन द सेम प्लेन। ठीक है, अब बाकी 2 इक्वेशन कैसे आएंगी, तो इसको फिर से हम समझते हैं कि हम क्या करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं कि इस तरह से मान लीजिए सेवरल मासेज हैं डिफरेंट प्लेन्स में, यहां मैंने 3 माने, 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं, उनको बैलेंस करने के लिए भी कितने भी मासेज लगाए जा सकते हैं, प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है सोल्व कैसे करते हैं। तो देखिए होता क्या है, बेसिकली होता यह है कि हम इनमें से किसी भी एक प्लेन को, चाहे देखिए 3 अनबैलेंस्ड है, चौथा बैलेंस मास का भी एक प्लेन होगा, कोई जरूरत नहीं है कि वो इन्हीं प्लेन में लगेगा, कहीं डिफरेंट प्लेन में भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि हमें उसके द्वारा पैदा हुआ टॉर्क इनके अनबैलेंस्ड फोर्स के द्वारा पैदा हुए टॉर्क को बैलेंस करने में काम में लेना है, तो वो कहीं भी हो सकता है, ये हम कैलकुलेशन करेंगे तभी पता लगेगा कहां होगा। क्लियर है चीज? तो अब सवाल ये है कि जैसे इसका मोमेंट या टॉर्क में किसके अबाउट लू, इसके अबाउट लू या इसके अबाउट लू, यानी फोर्स इनटू डिस्टेंस कौन सी लू। तो हम क्या करते हैं, किसी एक प्लेन को रेफरेंस प्लेन मान लेते हैं, यानी उसके सापेक्ष बाकी सभी का आघूर्ण टॉर्क या मोमेंट लेते हैं। ये प्रॉब्लम पर डिपेंड करेगा कि हम किसको रेफरेंस प्लेन माने, यानी किसके सापेक्ष हम सभी का आघूर्ण लेंगे। जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा तब आपको समझाऊंगा कि ये बहुत वाइसली, बहुत सोच समझकर हमें ये प्लेन सेलेक्ट करना होता है कि किसके सापेक्ष हम जो है आघूर्ण लें सभी मासेस, सभी फोर्सेस के। ठीक है, तो ये हमें लेना आना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, अब इस पूरे सिस्टम को बैलेंस करना है, कौन से सिस्टम को, व्हेन द मासेस आर रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन्स। तो हमें क्या क्या बैलेंस करना है, हमें फोर्सेस बैलेंस करने हैं और हमें टॉर्क बैलेंस करना है। ठीक है, क्लियर है चीज? टॉर्क या कपल कुछ भी कह लीजिए आप इसको, इसका मतलब ये पूरा सिस्टम परफेक्ट बैलेंस कब होगा, जब सारे इम्बैलेंस्ड फोर्सेज बैलेंस हो जाए, यानी नेट फोर्स इसके ऊपर जितने भी लग रहे हैं उनका परिणामी बल 0 होना चाहिए और जितने भी इस पर मोमेंट या टॉर्क लग रहे हैं उनका सभी का परिणामी 0 होगा, तब हम कहेंगे इसको कंप्लीट बैलेंसिंग। ठीक है, तो ये मैंने इसमें यहां पर लिखा है,
कि जब मासेज आर रोटेटिंग इन सेम प्लेन तो कंप्लीट बैलेंसिंग कब होगी, जब उनके फोर्सेस को बैलेंस कर दें, क्योंकि वहां पर कपल तो होता नहीं है, टॉर्क तो होता नहीं है, लेकिन जब डिफरेंट प्लेन में होता, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें एक असंतुलित कपल भी या टॉर्क भी पैदा हो जाता है, यानी इस शाफ्ट को ये यो घुमाएगा। जैसे यहां की बात करूं तो ये शाफ्ट यो घूमेगी, इसमें किसके कारण, इनके कारण पैदा हुए आघूर्ण के कारण, तो उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि टू कंप्लीटली बैलेंस ए शाफ्ट हमें क्या क्या बैलेंस करना चाहिए, फोर्सेज जो लग रहे हैं वो बैलेंस करने चाहिए, और जो फोर्सेज अनबैलेंस्ड कपल ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्सेज, अनबैलेंस्ड फोर्सेज के कारण जो टॉर्क लग रहा है या कपल लग रहा है उसको भी हमें बैलेंस करना चाहिए। जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे तब हम कहेंगे कि परफेक्टली बैलेंस्ड है। ठीक है, क्लियर है चीज? ये मैं आपको न्यूमेरिकल करूंगा, तब मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा कि कैसे इसको सवाल को हल करते हैं या सोल्व करते हैं। इसका मतलब क्या रहा कि नेट फोर्सेस का ओरिजिनल, यानी जितने भी इनबैलेंस फोर्स हैं उनका नेट ओरिजिनल कंपोनेंट जीरो होना चाहिए, नेट वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से जो भी नेट टॉर्क लग रहा है उसका ओरिजिनल कंपोनेंट जीरो होना चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होना चाहिए। तो ये चार इक्वेशन आ गई, चार ही अननोन होंगे, तो हम चारों अननोन इनसे पता कर सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता है इनको करना, हमें बहुत सोच समझ कर करना होता है कि पहले इसको यूज करेंगे या इसको यूज करेंगे, इसको या इसको। ये प्रैक्टिस से ही हो पाएगा आपको। इसको भी सोल्व करने का तरीका वही है, जैसे कि मासेज रोटेटिंग इन द सेम प्लेन में हमने टेबल बनाई थी, ठीक वैसे ही हम यहां पर भी टेबल बनाते हैं। अब इसमें एक ये दिक्कत आती है कि टेक्निकली देखिए, न्यूमेरिकल सोल्व करना एक अलग पार्ट होता है और इस सारे कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से समझना एक अलग पार्ट है। अब आप यहां पर कह सकते हैं कि सर ये तो इधर लग रहा है, ये तिरछा लग रहा है, इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है, तो फिर टॉर्क का क्या करें? देखिए टॉर्क की डायरेक्शन वैसे तो हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है, इस तरह से हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं टॉर्क की डायरेक्शन, तो हम उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, हम केवल ये मान के चलते हैं जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही टॉर्क है। तो सभी टॉर्क का हम ओरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं और उन्हीं को यूज करते हुए हम प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। वो काइनेमेटिकली या डायनेमिकली देखें तो बिल्कुल सही चीज है, लेकिन यहां पर उसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखिए अब सवाल कैसे सोल्व करते हैं। सवाल सोल्व करने के लिए जो टेबल मैंने आपको सेम प्लेन वाले केस में बताई थी, मासेज रोटेटिंग इन द सेम प्लेन, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से, मैंने इसमें बताया था आपको कि एक टेबल बनाते हैं, ये मासेज हैं जो रोटेट हो रहे हैं सेम प्लेन में, तो उसमें केवल एंगुलर पोजीशन डायग्राम या व्यू बनाया था मैंने, तो उसमें पहले कॉलम था मास का नाम, जो नाम मैंने दिया एक दो तीन चार, फिर मास कितना किलोग्राम है m1 m2 m3 m4, फिर कितनी कितनी रेडियस पर लग रहे हैं, फिर m इंटू आर कैलकुलेट किया, फिर ये थीटा कैसे, मैंने बताया था कि एक हम ओरिजिनल मानते हैं और उसी से सभी एंटी क्लॉकवाइज में एंगल लेते हैं, चाहे सवाल में कैसे भी दियो हम यहीं से लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो वो थीटा यहां पर लिखे, फिर एम आर कॉस थीटा सारे सभी फोर्सेज के ओरिजिनल कंपोनेंट आ गए, एम आर साइन थीटा सभी फोर्सेज के वर्टिकल कंपोनेंट आ गए, फिर इनको मैंने टोटल किया बराबर जीरो, इनको टोटल किया बराबर जीरो, और जो भी हमें कैलकुलेट करना है अननोन क्वांटिटी क्या है वो इन दोनों इक्वेशन से आ गई थी। तो ये तो था बैलेंसिंग ऑफ द मासेज रोटेटिंग इन द सेम प्लेन। अब इसको ही आगे बढ़ाना है, ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, तो कैसे करते हैं उसमें हम आगे क्या बढ़ाना है, अब हमें इसके जो आघूर्ण है या टॉर्क है उनको बैलेंस करना है, तो उनको बैलेंस कैसे करते हैं, तो आघूर्ण देखिए कैसे, जैसे मैं आपको यहां पर समझा देता हूं थोड़ा सा। मान लेते हैं मैंने रेफरेंस प्लेन इसको माना, ठीक है, इसको यानी इसको, ठीक है, अब इसके कारण पैदा हुआ आघूर्ण यानी फोर्सेस किसी भी, यो लग रहा है, यो लग रहा है, यो लग रहा है, कैसे भी लग रहा है, जैसे अगर मैं ये लेता हूं, ये यहां पर रेफरेंस प्लेन है, और अगर ये फोर्स इस तरह से लग रहा है तो भी ये यो रोटेट होगा, इस तरह से लग रहा है तो भी ये यो रोटेट होगा, इस तरह से लग रहा है तो भी ये यो रोटेट, यानी इसके अबाउट ही तो रोटेट होगा, ठीक है, तो इस फोर्स का इस रेफरेंस प्लेन, यानी इस फोर्स का इस रेफरेंस प्लेन के अबाउट मोमेंट क्या होगा, ये फोर्स इंटू ये डिस्टेंस,
और इसका खुद के अबाउट क्या होगा, ये फोर्स, और इसके अबाउट डिस्टेंस कितनी, जीरो। तो रेफरेंस प्लेन पर जो फोर्स लगता है उसका मोमेंट या टॉर्क या आघूर्ण खुद के अबाउट कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, ठीक है। और इसका कितना होगा, ये फोर्स इनटू ये डिस्टेंस। देखिए रेफरेंस प्लेन ये है तो राइट हैंड साइड वाली डिस्टेंस को हम पॉजिटिव मानेंगे और लेफ्ट हैंड साइड वाली डिस्टेंस को हम नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। और इनके फिर कंपोनेंट लेंगे, यानी हम अब इस टेबल में हम आगे क्या करेंगे, इस टेबल में आगे कॉलम बनाएंगे, पहले L का कॉलम बनाएंगे। L क्या है, रेफरेंस प्लेन से मास के रोटेटिंग प्लेन की, प्लेन ऑफ रोटेशन की डिस्टेंस। जैसे रेफरेंस प्लेन मैंने ये माना, अब आप कहेंगे सर कैसे माना, ये मैं आपको प्रॉब्लम सोल्व करूंगा तभी समझाऊंगा, ठीक है। तो इसके अबाउट इसकी डिस्टेंस कितनी है, एक्स वन मैंने बोला था राइट हैंड साइड में तो प्लस, लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस। तो सबसे पहले हम इस डिस्टेंस को यहां पर लिखेंगे, यानी एल मीटर में सेंटीमीटर में जैसे भी दिया गया, मिलीमीटर में वही लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, हर एक मास की। फिर क्या लिखेंगे, देखिए आघूर्ण या मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू ये डिस्टेंस। तो फोर्स यहां पर कितना है, फोर्स एम आर है, मैंने आपको ये जब बताया था उस समय बताया था कि ओमेगा स्क्वायर कॉमन है इसलिए हमने उसको छोड़ दिया था। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस एल है तो इसका आघूर्ण कितना हो गया, एम आर एल। तो एम आर एल सबके लिए लिखेंगे, फिर उनका ओरिजेंटल कंपोनेंट और उनका वर्टिकल कंपोनेंट। ओरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा, एम आर एल कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, एम आर एल साइन थीटा। और चूंकि ये बैलेंस्ड है तो ये भी सब जीरो होने चाहिए टोटल। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें एक न्यूमेरिकल समझेंगे जिससे हमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इनको, यानी मासेज रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन्स की बैलेंसिंग के सवाल किस तरह से किए जाते हैं। देखिए अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, इसमें हमें दिया गया है कि एक शाफ्ट, रोटेटिंग शाफ्ट है जिस पर चार मासेज ए बी सी और डी लगे हुए हैं, विच आर रेडियली अटैच्ड टू इट। रेडियली अटैच्ड का मतलब क्या होता है, रेडियली अटैच्ड का मतलब यह है कि ऐसे किसी रेडियस पर वो लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे ये यहां आर वन पर, ये मास आर टू पर, इस तरह से रेडियली अटैच्ड है, ठीक है। द मास सेंटर्स आर, यानी मासेज को जो सेंटर है, मास के सेंटर का मतलब क्या है कि जैसे इस मास का सेंटर यहां पर है, इस मास का सेंटर यहां पर है, तो ये मास के जो सेंटर्स हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ए बी सी डी इनके 30, 38, 40 और 35 mm दूर है, यानी इनकी रेडियस कितनी कितनी है, 30, 38, 40 और 35 mm। फिर दिया गया है कि जो मास ए सी डी, यानी बी नहीं दिया है, मासेज ए सी डी जो है कितने कितने किलोग्राम के हैं, 7.5, 5 और 4 किलोग्राम के हैं, यानी ए कितना 7.5, सी कितना 5 और डी कितना 4, यानी डी बी बी फॉर बॉय का मास नहीं दिया है। अब देखिए यहां तक अगर अपन पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं पता लगता कि ये डिफरेंट प्लेन में रोटेट हो रहे हैं या सेम प्लेन में। मैंने जब सेम प्लेन की प्रॉब्लम कराई थी उस समय कहा था कि अगर ये डिफरेंट प्लेन में रोटेट हो रहे हैं तो प्लेन्स के बीच की जो एक्सियल डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये जो एक्सियल डिस्टेंस है ये जरूर दी जाएगी, यानी अलोंग द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट कितनी कितनी दूर पर प्लेन है ये जरूर दी जाएगी, तभी हम कह पाएंगे कि ये डिफरेंट प्लेन में रोटेट हो रहे हैं। तो यहां पर ये दिया गया है द एक्सियल डिस्टेंसेज बिटवीन द प्लेन्स ऑफ रोटेशन ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी जिन प्लेन में रोटेट हो रहे हैं उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 400 mm, और बी और सी जो प्लेन है उनके बीच की डिस्टेंस है 500 mm। द मासेज ए एंड सी, ये इनके प्लेन्स की डिस्टेंस दे दी। तो देखिए पढ़ने से साफ साफ दिख रहा है ए और बी और सी के प्लेन्स की एक्सियल लोकेशन, यानी ए बी और सी इन ये कहां कहां है अक्ष पर, इनकी तो लोकेशन हमको दे दी लेकिन डी के बारे में कुछ नहीं कहा है एक चीज तो। फिर द मासेज ए एंड सी आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, जो मास ए और सी है, ए और सी इनकी जो त्रिज्या है एक दूसरे से राइट एंगल यानी 90 डिग्री पर है।
तो फाइंड फॉर कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट बैलेंस का मतलब हमें, मैंने अभी आपको समझाया था, कंप्लीट बैलेंस का मतलब ये होता है कि जो टॉर्क है उसको भी बैलेंस करना है और जो फोर्सेज है उसको भी बैलेंस करना है, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें इसमें दी गई सवाल में, उससे हमने ये दोनों डायग्राम बना लिए। देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि जब ये मास जो है सभी एक ही प्लेन में रोटेट हो रहे होते तो केवल इसी डायग्राम से काम चल जाता, लेकिन ये डिफरेंट प्लेन्स में रोटेट हो रहे हैं जिनकी हमें डिस्टेंसेस भी दिए, तो ये एक्सियल पोजिशन डायग्राम भी इनका बनाना पड़ेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये सभी मैंने ऊपर की तरफ दिखाए, इसका मतलब ये नहीं कि सभी एक ही, यानी सारे के सारे इस एक्सिस से ऊपर यानी ऊर्ध्वाधरी है ना, केवल और केवल ये सांकेतिक है, एक सिंबॉलिक है कि ये ए का प्लेन, ये डी का प्लेन है, ये सी का प्लेन है, ये बी का प्लेन है और ये ए का प्लेन है, इनकी एंगुलर पोजिशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए, इसको जब ड्रॉ करते हैं, जो हमें कहा गया कि ए और सी के बीच का एंगल 90 डिग्री है और बी और डी की एंगुलर पोजिशन के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, तो मैंने मेरे मन से ही बी को तो थीटा एंगल पर मान लिया और डी को अल्फा एंगल पर मान लिया। आप कहीं भी बना सकते हैं इसको, थोड़ा दिखने में ऐसा लगे कि इक्वल लगभग इस तरह से है कि इनका नेट फोर्स निकालें तो वो जीरो आए, तो एक फिजिकली भी इस तरह से दिखे डायग्राम तो हम काफी कुछ सही कर पाते हैं। अगर मैं सारे के सारे इधर ही बना देता तो हमें ऐसा लगता है कि अनबैलेंस, जो अनबैलेंस फोर्स है वो इधर होगा तो बैलेंस इधर होगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो इन्फॉर्मेशन दी थी इसमें बहुत सारी अननोन चीजें हैं कि इन दोनों की बी और डी की एंगुलर पोजीशन नहीं दी गई है, तो वो मैंने यहां पर मान ली, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, ए सी और डी का मास दिया गया था वो मैंने लिख दिया, लेकिन बी का मास नहीं दिया है तो बी का मास मैंने बी के जी ही मान लिया है प्रॉब्लम में, ठीक है। और इनकी सबकी रेडियस दी गई थी वो मैंने यहां बना दी। अब देखिए, एंगुलर ये एक्सियल पोजीशन यानी प्लेन्स की पोजीशन, हमें सवाल में कहा गया है कि ए और बी के प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस है 400 mm, ठीक है। तो हमने बना दी। अब मैं इसको ए बना सकता था तो इसको बी बना देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इधर से ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 400। अब यह कहता है कि बी और सी, अब देखिए बी और सी के बीच की डिस्टेंस 500 mm, सवाल में कहीं भी ये क्लियर नहीं है कि बी और सी, अब बी और सी, बी और सी के बीच की डिस्टेंस ही तो बोला है इसने, तो सी इधर भी तो हो सकता था, यानी यहां से 500 पर हो सकता था। सवाल में कहीं नहीं लिखा कि ए जो है बी के लेफ्ट में है और सी जो है बी के राइट में है, लेकिन थोड़ा लॉजिक हमने लगाया तो हो ये भी सकता, पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी लॉजिकली देखें तो ये सीक्वेंस में ए और बी के बीच कितनी और बी और सी के बीच की इतनी डिस्टेंस, तो ए और बी के बीच की, बी के बीच की इतनी और बी और सी के बीच की इसी सीक्वेंस में चल रहे हैं, वरना आप सी इधर भी बना सकते हैं, कोई फर्क, सवाल बदल जाएगा बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं कहा गया। प्रॉब्लम में कहा जाना चाहिए था कि ए जो है वो बी के लेफ्ट में या राइट में है, सी जो है बी के लेफ्ट या राइट में है, यह बोला जाना चाहिए था, तब बहुत ज्यादा सही एक्यूरेट सवाल होता। अब यहां पर जो है डी की पोजीशन नहीं दी गई है, अब इसने पूछा क्या क्या है, एंगुलर पोजिशन ऑफ मास बी एंड डी फ्रॉम ए, यानी ए से बी और डी की एंगुलर पोजीशन क्या क्या मैंने मानी, डी थीटा और अल्फा, ये हमें निकालने हैं दोनों। फिर एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स ऑफ रोटेशन ऑफ सी एंड डी, यानी सी और डी, अब डी के प्लेन की लोकेशन नहीं दी हमें तो हमने इसको एक्स मान लिया। अब देखिए आप, फिर यहां पर वही दिक्कत है कि डी को मैं इधर मानू या इधर मानू, ठीक है। तो आप इस डी को इधर भी मान सकते थे क्योंकि कुछ नहीं कहा गया है, तो इधर मानते तो ये माइनस का एक्स हो जाता है, इधर माना तो प्लस का एक्स हो जाता, आंसर बिल्कुल सही आएगा। आप डी को इधर मान लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो आंसर इसका जो भी आना होगा वो माइनस प्लस आएगा, यानी आप इधर प्लस मान सकते हैं और इधर माइनस, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं सही मायने में ये यही लोकेटेड है, यानी बी के राइट हैंड साइड में ही लोकेटेड है और एक्स की वैल्यू आती है से 800। अब आपने इसको मान लिया इधर एक्स, तो एक्स की वैल्यू आती है मान लीजिए -800, तो माइनस एक्स है तो इसका मतलब वो +800 हो गया, ठीक है। तो बात वही आएगी, तो हम इसको जो अननोन है उनको अपन कैसे भी कहीं भी मान सकते हैं, लेकिन जो गिवन है उनके बारे में बिल्कुल एक्यूरेटली बताना चाहिए था, प्रेसाइसली बताना चाहिए था, जो यहां पर इसने सवाल में नहीं बताया। तो एक हमें डी की लोकेशन निकालनी है, फ्रॉम सी, फ्रॉम बी, कहीं भी मान सकते हैं, हमें तो एक्स पता है तो फ्रॉम सी भी पता लग जाएगा, मान लीजिए 800 है तो सी से 400 है,
ये 800 है तो ए से 1200 हो जाएगा, ये 800 है तो बी से 800 हो जाएगा, जैसा कि सवाल का आंसर निकलवाना चाहता है। लेकिन ये मैंने एक्स कहां से माना है, रेफरेंस प्लेन से, रेफरेंस प्लेन मैंने यहां पर बी को माना है, क्यों मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो दो तो अननोन क्या हो गए, एंगल हो गए, तीसरा अननोन क्या हो गया, ये एक्स हो गया, चौथा अननोन क्या हो गया, हमें बी का मास नहीं दिया यानी कितना किलो, तो वो हमने माना, तो चौथा अननोन ये हो गया। तो सबसे पहले जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन थी उससे मैंने ये दोनों डायग्राम बना दिए, और जो अननोन है उनको बहुत वाइसली, बहुत अच्छे सोच समझ के हम उनकी वैल्यूज को मानते हैं। ठीक है, तभी सवाल आगे आसान हो पाता है। ठीक है, जो भी हमने माना है उसको आपको क्लियरली लिखना होता है, जब हम क्वेश्चन में पेपर एग्जाम में सवाल करते हैं तो हर चीज जो भी हम एज्यूम कर रहे हैं उनको क्लियरली आप लिखिए। लेट द एंगल ऑफ मास बी एंड डी बी थीटा, लेट द एंगल ऑफ मास बी एंड डी बी थीटा एंड अल्फा, बी और डी के एंगल थीटा और अल्फा फ्रॉम ए, ए से एज शोन, जैसा कि इसमें दिखाया है ऐसे मैंने माने। द मास ऑफ बी 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 के जी, जो मैंने बी का मास वो मैंने बी के जी ही मान लिया। देखिए मैं इसको एम भी मान सकता था तो, लेकिन बी का मतलब ये कि बी का ही मास हम निकालना चाह रहे हैं। एंड द एक्सियल डिस्टेंस ऑफ प्लेन डी बी एक्स, जो डी की जो एक्सियल डिस्टेंस है वो एक्स है कहां से, फ्रॉम बी, बी के प्लेन से, और जिसको मैंने क्या माना है, रेफरेंस प्लेन, और जो भी सिचुएशन बनती है वो सारी स्पीकर में मैंने शो कर दी। अब देखिए सोल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया था, देखिए सोल्व करने का तरीका मैंने बताया था आपको, हम एक टेबल बनाते हैं, सबसे पहले तो फोर्स को बैलेंस करने के लिए टेबल बनाते हैं, जो मैं आपको मेरे पिछले वीडियो में बता चुका हूं और अभी भी मैंने बताया था। सबसे पहले मास के नाम लिखते हैं, मास ए बी सी डी है, उनका जो द्रव्यमान या किलोग्राम दिया है वो ए का दिया है, सी का दिया है और डी का दिया है, बी का हमने बी मान लिया है, उनकी रेडियस एमएम में थी वो मैंने यहां पर लिख दी है, तो एम आर लिखा यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा, तो ये 7.5 और 30 को तो 225, बी और 38 को तो 38 बी, 5 और 40 200, 4 और 35 140, तो ये एम आर हो गया। अब थीटा की वैल्यू जो भी डायग्राम में थी वही हम लिखते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से सी की 90, बी की थीटा, डी की अल्फा और ए की खुद की कितनी, जीरो, तो ये थीटा की वैल्यू मैंने यहां पर लिख दी। देखिए ए का जीरो, बी का हमने एंगल थीटा माना है, बी का हमने एंगल थीटा माना है, डी का एंगल अल्फा माना है, कहां से, ए से एंटी क्लॉकवाइज, और सी 90 डिग्री दिया हुआ हमने लिख दिया यहां पर। फिर ये जो ये तो फोर्सेज होते हैं क्योंकि ओमेगा स्क्वायर को मैंने यहां से हटाया हुआ है, कॉमन है इसलिए, तो अब एम आर कॉस थीटा यानी 225 कॉस जीरो ये आएगा, 225 साइन जीरो ये आएगा, 38 बी कॉस थीटा यानी कॉस थीटा नोन है तो ये यो की लिख दिए, फिर 200 कॉस 90 ये आएगा, 200 साइन 90 ये आएगा, इस तरह से मैंने ये कंप्लीट कर लिया, ये 140 कॉस एल्फा क्योंकि एंगल एल्फा है, तो ये फोर्स का तो पूरा काम हो गया। ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको समझा चुका हूं। अब आता है आघूर्ण या टॉर्क, तो उसके लिए मैंने क्या कहा था आपको, प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस हमें पहले लिखनी होगी, यानी इसको मैं क्या बोलता हूं, रेफरेंस प्लेन से कितनी कितनी दूर है, उसको मैंने बोला है यहां पर एल। ठीक है, अब सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना होगा कि रेफरेंस प्लेन किसको माने, तो देखिए अब मैं आपको समझाता, मैंने आपको कहा था मैं समझाऊंगा कि रेफरेंस प्लेन किसको माने। हम रेफरेंस प्लेन उसको मानते हैं जिस प्लेन में कोई ना कोई एक अननोन हो। ठीक है, अननोन का मतलब कोई ना कोई एक अज्ञात राशि हो। ठीक है, तो देखिए बी के बारे में सबसे ज्यादा अज्ञात चीजें हैं कि बी का द्रव्यमान भी नहीं दिया हुआ है, बी का एंगल भी नहीं दिया हुआ है, तो हम बी को ही रेफरेंस प्लेन मानेंगे। अगर हम ए को रेफरेंस प्लेन मानते, एक मिनट देखिए आप, ए को रेफरेंस प्लेन मानते तो ए का कुछ भी अज्ञात नहीं है, तो ए को जिसको हम रेफरेंस प्लेन मानते हैं उसकी खुद से दूरी जीरो हो जाती है, तो वो यहां पर जीरो हो जाता, तो इसका एमआरएल भी जीरो हो जाता, तो ये भी जीरो यानी सब कुछ जीरो हो जाता, लेकिन उससे हमें कोई फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि अज्ञात राशियां इन कंपोनेंट्स में कम से कम आवे, कम से कम आवे। ठीक है, आवे तो सही लेकिन कम से कम आवे। ठीक है,
ताकि समीकरण हल करने में आसानी होती है। जैसे अभी मैं आपको समझाता हूं, अब मैंने B को रेफरेंस प्लेन माना, तो B को रेफरेंस प्लेन माना इसका मतलब क्या हुआ, इसको रेफरेंस प्लेन माना तो यहां से A कितना दूर है 400, लेकिन किस साइड में, इसके लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड, तो B से A की डिस्टेंस कितनी -400, तो मैंने यहां पर लिख दी -400। अब B की खुद से डिस्टेंस, अब B की भी तो लिखनी पड़ेगी, B की खुद से डिस्टेंस कितनी 0 और C की कितनी राइट हैंड साइड में 500 यानी +500, तो B की 0 C की +500, D की मैंने इधर x मानी, इस साइड मानी तो +x, इस साइड मानूंगा तो -x, कुछ भी मान सकते हैं, तो मैंने इधर माना है तो इसको मैंने लिख दिया +x। अब देखिए यहां पर एम आर तो क्या था, फोर्स, फोर्स को इस यानी फोर्स यानी इस तरह से ये फोर्सेज, फिर इसकी डिस्टेंस यहां से डिस्टेंस कितनी 500, तो बल का जो आघूर्ण होगा, फोर्स कितना है एम ओमेगा स्क्वायर आर, लेकिन ओमेगा स्क्वायर कॉमन था मैंने हटा दिया, तो फोर्स कितना है एम आर, डिस्टेंस कितनी एल, तो आघूर्ण कितना हो जाएगा एम आर एल, प्लस माइनस अपने आप आएगा क्योंकि इसके सापेक्ष मैंने ये दूरियां प्लस माइनस पहले ही लिख दी है, तो अपने आप ही प्लस माइनस आएगा, यानी इस बल का आघूर्ण कितना, तो ये बल गुणा ये दूरी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 90,000, माइनस है तो माइनस आ गया, ठीक है। इसी तरह से अब ये बल गुणा ये दूरी तो 0, ठीक है, ये बल और ये दूरी प्लस में है तो ये आ गया 1,00,000, और ये बल और ये दूरी प्लस में तो 140x, तो ये आ गया एम आर एल। अब इनके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक इसके आघूर्ण के, थीटा यहां पर नोट किया हुआ है, तो यानी ये इंटू कॉस थीटा, इसका 0, तो यानी ये इंटू कॉस 0, तो ये यही आएगा, ये इंटू साइन 0 ये आएगा। अब देखिए ये खुद 0 है तो कॉस थीटा कुछ भी हो 0 ही आएगा, ये आघूर्ण का मान 0 है, साइन थीटा कुछ भी हो ये भी 0 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर जब अपन ने किया तो ये अज्ञात क्या थे, बी और थीटा कहीं नहीं आ रहे ना, तो अज्ञात राशियां कम हो गई, हो गई कि नहीं हो गई, अभी आगे इसका इफेक्ट मैं आपको बताऊंगा क्या प्रभाव आता है, ठीक है। और इसका क्या किया, एम आर एल ये आया, फिर कॉस थीटा, थीटा कितना है 90, तो कॉस 90 0 होता है 0 हो गया, साइन 90 1 होता है तो ये यहां आ गया, इसी तरीके से प्लस एक्स है तो इसका एम आर कितना हुआ, एम आर 140 हुआ, तो ये कितना हो गया 140x हो गया, कॉस एल्फा, एल्फा अननोन है तो कॉस एल्फा और साइन एल्फा। इस तरह से ये सबसे पहले मैंने दूरियां लिखी, प्लस माइनस ध्यान में रखते हुए लिखी, प्लस माइनस ध्यान में कैसे, रेफरेंस प्लेन से लेफ्ट साइड में माइनस, रेफरेंस प्लेन से राइट साइड में प्लस। रेफरेंस प्लेन किसको मानते हैं, मैंने अभी बताया कि यहां पर हम देखेंगे, यहां पर इस बल में और इन दोनों चीजों में, यहां पर हम देखेंगे कि किस में अज्ञात राशियां, किस द्रव्यमान के लिए सबसे ज्यादा अज्ञात राशियां हैं। यहां पर देखिए इसके लिए कोई अज्ञात राशि नहीं है, यानी इनमें देखिए सब नंबर हमें दिख रहे हैं, यहां पर अज्ञात राशि क्या है, बी है, थीटा है, यहां पर अज्ञात राशि क्या है, कुछ नहीं है, यहां पर अज्ञात राशि एल्फा है। जिस द्रव्यमान के लिए सबसे ज्यादा अज्ञात राशियां होती हैं उसी को हम रेफरेंस प्लेन मान लेते हैं, क्योंकि आगे जब इनके घटक लेते हैं तो अज्ञात राशियां खत्म होती चली जाती है, 0 0 0 हो जाती है। अब इनका इफेक्ट क्या आता है, फिर मैंने इनके घटक ले लिए। अब देखिए चूंकि सवाल में ये कहा गया है कि ये पूरा सिस्टम अपने आप में बैलेंस्ड है, इसका मतलब इनका नेट फोर्स कितना होना चाहिए 0, नेट टॉर्क कितना होना चाहिए 0, मतलब क्या हुआ, सभी फोर्सेज के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इनका टोटल 0, ऊर्ध्वाधर घटक का टोटल 0, जो आघूर्ण है उसका क्षैतिज घटक का टोटल 0, और इसका ऊर्ध्वाधर घटक का टोटल 0, जो मैंने यहां पर लिख दिया है, एफ एच बराबर 0, एफ वी बराबर 0, टो एच यानी टॉर्क ओरिजेंटल कंपोनेंट, टॉर्क वर्टिकल कंपोनेंट बराबर 0, यहां तक क्लियर है। अब देखिए जब इस तरह से चार इक्वेशन आती है तो अपन टॉर्क की साइड से ही चलते हैं, पहले इन दो इक्वेशंस को देखिए, वैसे कितनी बनी 1 2 3 4, यहां पर देखिए इन सबको जोड़ता हूं तो ये प्लस ये बराबर 0, ये उधर जाके माइनस हो गया, ठीक है, तो x साइन अल्फा बराबर क्या आ गया 1,00,000 डिवाइडेड बाई 40,000, तो माइनस का ये आ गया, ठीक है।
ऐसे ही इनको जोड़ा तो 140x प्लस कॉस अल्फा सॉरी 140x कॉस अल्फा माइनस 90,000 बराबर जीरो, 90,000 उधर बराबर के उधर गया तो प्लस हो गया, 140 से डिवाइड किया तो ये आ गया। अब देखिए जो बी क्यू माना, अगर मैं यहां पर बी को रेफरेंस प्लेन नहीं मानता इसको मानता तो यहां पर ये 38b साइन थीटा या जो भी डिस्टेंस होती, यानी बी साइन थीटा था, बी कॉस थीटा था, एक्स कॉस एल्फा, एक्स साइन एल्फा, यानी चार अज्ञात हो गए, चार अज्ञात हो गए। समीकरण दो ये कैसे निकालते हैं उनको, संभव नहीं था। यहां भी देखिए एक ही समीकरण में बी थीटा एल्फा सब आ रहे हैं, कैसे कैलकुलेशन होती, हो ही नहीं पाती। जब दो समीकरण है तो दो ही अज्ञात होने चाहिए, क्योंकि हम पहले दो को यूज करते हैं फिर इन दो को यूज करते हैं। हर एक समीकरण में ही अगर तीन तीन चार चार अज्ञात राशि आ जाएंगी तो उनको हल करना संभव नहीं होता, इसलिए हमने बी को रेफरेंस प्लेन माना है। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए, वरना आपसे मासेस रोटेटिंग इन द डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेन्स के सवाल नहीं हो पाएंगे। तो हम प्लेन ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस प्लेन उसी को मानते हैं जिसके लिए अज्ञात राशियां सबसे ज्यादा होती है। अब यहां से देखिए, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करना है तो ये यहां पर मैंने किया है। कैसे करते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक्स कॉस एल्फा, एक्स साइन एल्फा, एक्स का मान निकालना है तो दोनों का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे और एड करके वर्गमूल लेंगे। तो देखिए यहां पर ये देख लीजिए आप कि उसको यानी एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये दोनों एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, वन होता है तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया ये पूरा, फिर अंडर रूट ले लिया तो ये आ गया एक्स की वैल्यू। दैट इज ये एक्स की वैल्यू अब कैसे आई है, देखिए एक्स की वैल्यू आई है प्लस में, किसमें आई है प्लस में आई है, ठीक है। इसका मतलब x इधर ही है और चूंकि मैंने प्लस मारा वो माइनस में आती तो ये इधर हो जाता, यहां तक क्लियर है आपको। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई 961 mm। हमसे पूछा है कि एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स ऑफ रोटेशन ऑफ सी एंड डी, सी और डी के बीच की दूरी हमने निकाली है, बी और डी के बीच की दूरी 961, तो सी और डी के बीच की कितनी रह गई 961 - 500, ठीक है। तो इसका मतलब ये आगे मैं लिखूंगा आंसर में तब बताऊंगा। अब यहां से इसी इक्वेशन को वापस देखते हैं तो यहां पर x की वैल्यू आ गई, अब अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था जब सेम प्लेन वाली बात कर रहे थे अपन कि x की वैल्यू हमें 961 पता लग गई तो इसका मतलब ये नहीं कि यहां 961 रख दिया और अल्फा की वैल्यू निकाली, ऐसे नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को यूज करते हुए निकालते हैं, यानी इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, tan अल्फा बराबर दिस अपॉन दिस, तो ये हो गया tan अल्फा बराबर दिस अपॉन दिस, ठीक है। ये आ गया यहां पर क्लियर है चीज, तो ये हो गया साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। टेन अल्फा की वैल्यू मैंने बताया था, साइन को नेग्लेक्ट करते हुए लिखते हैं, नेग्लेक्टिंग साइन, जो भी साइन है, अल्फा बराबर 48 आया। मैंने पिछले वीडियो में यानी सेम प्लेन वाले वीडियो को आप जरूर देखें, उसमें मैंने अल्फा को फाइनली कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताया था। फिर यहां एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि ऑल साइन टेन कॉस, क्वाड्रेंट के हिसाब से देखते हैं, ऑल साइन टेन कॉस, ये देखिए यहां पर साइन नेगेटिव और कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब मैंने बताया था कि एंगल को ऐसे सेट करना है कि या तो क्वाड्रेंट में आएगा तो उसको 360 प्लस माइनस या 180 प्लस माइनस, क्योंकि यहां आना है तो 360 में से माइनस करेंगे तभी यहां आएगा, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या आई 360 - 48, क्योंकि साइन नेगेटिव है और कॉस पॉजिटिव है, क्लियर है चीज। तो इस तरह से यह आ गया 312। अब देखिए अल्फा की वैल्यू आ गई, एक अननोन था, डी की एंगुलर पोजीशन थी, डी की जो प्लेन की स्थिति थी, दोनों निकाल ली एक्स और अल्फा। और देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या क्या आई थी, जब हमने ये टेबल बनाई थी तो हमारे पास इक्वेशन आई थी, दो ये आई थी और दो ये आई थी। अब एक्स और अल्फा की वैल्यू हम यहां पर रखेंगे, एक्स का तो यहां पर कहीं वैल्यू रखनी नहीं है, है ही नहीं एक्स इनमें, तो अल्फा की वैल्यू रखनी है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई है 312,
ठीक है, हम 48 नहीं रखेंगे, बार बार कह रहा हूं एग्जैक्ट वैल्यू। इन साइन को ध्यान में रखते हो कि साइन की और कॉस के निशान क्या क्या, उसके हिसाब से किस क्वाड्रेंट में, वही वैल्यू होती है फाइनल रिजल्ट या फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमारे पास 312, इसका मतलब अब इन दोनों इक्वेशंस में जो यहां से अज्ञात राशियां की वैल्यू हमें ज्ञात हुई है वो यहां पर रखते हैं, यानी 38 बी साइन थीटा प्लस 240 साइन 312, ऐसे ही यहां पर कॉस 312 रखेंगे, फिर इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके बाकी वैल्यूज निकालते हैं। तो वो देखिए, मैंने दोनों इक्वेशंस में ये 312 रखा, तो अब देखिए ये और ये भी सोल्व कर सकते हैं, 38 है तो इनको पूरे को सोल्व किया तो बी कॉस थीटा बराबर आया -8.386। ठीक ऐसे ही इनको पूरे को सोल्व किया तो बी साइन थीटा बराबर आया -2.525। क्लियर है चीज, अब ये ठीक वैसे हो गया वापस जैसे x cos अल्फा और x sin अल्फा आए थे। अब यहां से x और अल्फा की वैल्यू स्क्वायरिंग एंड एडिंग यानी वर्ग किया और जोड़ा, ठीक है, ऐसे ही यहां पर b की वैल्यू निकालनी है, वर्ग करके जोड़ेंगे, वर्ग करके जोड़ा तो फिर इसका अंडर रूट लिया तो ये आ गया, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, इन दोनों का स्क्वायर किया तो ये आया, फिर अंडर रूट लिया तो ये आया। अब देखिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जब भी रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों आते हैं, लेकिन चूंकि मास जो है नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए हम पॉजिटिव साइन ही लेते हैं। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, फिर रिपीट कर रहा हूं कि बी की वैल्यू पता लगी तो ऐसा नहीं है कि इसी में रखा और बी थीटा की वैल्यू निकाली, नहीं, मैंने आपको पहले बताया डिवाइड करके ही निकलेगी। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, यानी दिस डिवाइडेड बाई दिस, इस समीकरण को इससे डिवाइड करेंगे तो ये चीज आएगी। तो यहां टेन थीटा आ गया, ये साइन का हमने कोई मतलब नहीं है, यानी हम अभी नहीं ध्यान में रखते हैं साइन, तो टेन थीटा बराबर इनको डिवाइड किया तो 0.301 आया, यानी थीटा की वैल्यू है 16.76। तो क्या एग्जैक्ट वैल्यू ये है? नहीं है। ठीक है, क्यों? क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है। क्वाड्रेंट का ध्यान कैसे रखना है? ऑल साइन टेन कॉस, तो देखिए साइन नेगेटिव कॉस नेगेटिव लेकिन टेन पॉजिटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, इसका मतलब एंगल किस में आएगा? ये एंगल आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री कब होती है? जब 180 में प्लस हो, इसका मतलब असली एंगल, सही एंगल क्या रहा? 180 प्लस ये, तो एग्जैक्ट एंगल आया, थीटा की वैल्यू आई 180 प्लस 16.76, यानी 196.76। तो अपने फाइनल आंसर क्या क्या हो गए? फाइनल आंसर हो गए एंगुलर पोजिशन ऑफ बी फ्रॉम ए, ये आ गया थीटा माना था, एंगुलर पोजिशन ऑफ डी फ्रॉम ए एल्फा माना था, एल्फा की वैल्यू 312 आई थी अपनी, एल्फा की वैल्यू 312 आई थी यहां पर, फिर डिस्टेंस बिटवीन प्लेन सी एंड डी जो अपना आंसर आया था 961 था, लेकिन वो कहां से था? बी से था, लेकिन अपने को सी से निकालनी है तो सी के इसको डायग्राम के हिसाब से मैंने इसको घटा दिया था, जैसे भी आपको मैंने बताया था कि हमारे एक्स की वैल्यू है ये 961, ये बी से आई है, हमें निकालनी है सी से, सी और डी के बीच की, तो 961 में से 500 माइनस करेंगे तभी तो ये आएगा, इसका मतलब कितना आंसर आ गया? 461, और मास ऑफ बी 8.75। तो इस तरह से आपने देखा कि देखिए हमें केवल ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक्स का यूज करना है और बहुत सावधानी से कैलकुलेशन करें तो सही मायने में इसमें किसी भी तरह के कोई नए फॉर्मूले इसमें नहीं है। एक तो केवल हमें ये टेबल बनानी आनी चाहिए बिल्कुल सही, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं हो, कैलकुलेटर के यूज में कहीं मिस्टेक्स नहीं हो, तो देखिए सवाल बहुत आसानी से सोल्व हो जाता है। पूरा एक बड़ा सवाल आता है एग्जाम में, लेकिन पढ़ने में न्यूमेरिकल काफी बड़ा लगता है, लेकिन आपने ये डायग्राम सही बना दिया तो बहुत अच्छे से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अब मैं आशा करता हूं कि आप मासेज रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन्स के सवाल बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।